पड़ी है। चलिए महाराज, कुछ अनर्थ ना हो जाए इससे पहले कुछ समाधान कीजिए। चलिए दासी चल कर देखते हैं। आइए महाराज। क्या हुआ? मेरा इतना दरबार हो अपमान, मैं शांत नहीं रहूंगी। राजन, हे राजन, हे प्रिय, इतनी बेचैनी से यहाँ क्यों डोल रही हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ मैं नाराज हूँ, केवल नाराज नहीं बहुत नाराज हूँ। ये प्यारी क्यों तू क्रोधित किया? प्रतांत को सभी सुना दीजे, प्रतांत को सभी सुना दीजे। चल पानी आपने त्याग दिया, दिल में लिख दिया केवल दीजे। ये प्यारी, इस सब का कारण क्या है? इस क्रोध का कारण क्या है? मुझे वृतांत सुनाइए। क्या बात पूछते हो मुझसे? मैं जिगरनों की मारी हूँ, मैं जिगरनों की मारी हूँ। मैं देख के अपनी निंदा को खुद ही से खुद ही देखा। महाराज, आप क्रोध का कारण पूछ करके मेरे घावों पर नमक छिड़क रहे हैं, जान जान का अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। मेरे कर्म में जो था सो हो रहा है, और जो होगा सो आगे होता रहेगा। परंतु अपने ही घर में अपनों द्वारा निराधा निंदा अपमान, छोटों का मान बड़ों का अपमान, बस महाराज अब खुद मत पूछिएगा, क्षमा कीजिएगा। राणे शरीर, पहेलियां ना पूछो, सीधी सीधी बात करके मेरे मन की बेचैनी दूर करिएगा। हे नाथ, आपको छोटी रानी प्राणों से अधिक प्यारी है, इस बात को तो जानती ये पिता सारी है। घोर निंदा और बदनामी हमारी है, गजमोती की माला मुझे नहीं बड़ी को छोड़ छोटी के गले में डाली है, इसलिए खान पान त्याग जान देने की पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री एक ही सोफा में लेकिन राजा बड़े जो है संगीत प्रेमी है, और उन्होंने आदेश दिया है कि एक सुंदर नर्तकी आकर के कष्टिया परेशानी में तो नहीं है? यथा स्थिति से अवगत कराइएगा।
महाराज, आपने राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, जो बहुत ही उचित बात है। महाराज, राज्य की शासन व्यवस्था संबंधी सक्रियता प्रशासकों एवं अधीनस्थों को सक्रिय बनाए रखेंगे, परंतु महाराज चिंता की कोई बात नहीं है, सर्वत्र सुशासन है। हे महाराज, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री अतः प्रजाजनों से सदैव मन की बात करता हूँ। आप तो हमारा कार्यक्रम देखते ही होंगे, ऐसा बहुत समय से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हे महाराज, रही प्रजाजनों के अमन चैन की बात, तो यहाँ तो शेर और गाय एक ही नाद में पानी पीते हैं, चूहा और बिल्ली, सर्प और नेमना परस्पर बैर विरोध मिलकर आपस में मिल मिलकर शांति पूर्वक रहते हैं। हे महाराज, आप अपने मन की बात प्रकट करने की कृपा करें ताकि उसका उचित समाधान हो सके। मंत्री वर, मैंने अपनी बड़ी रानी को गज मोतियों का हार देने का वादा किया है, परंतु गज मोती तो अपने खजाने में है नहीं, कहाँ से प्राप्त होंगे? मंत्री वर, हे महाराज, मैं ऐसा करता हूँ कि अपने नगर के समस्त श्रेष्ठ जन एवं जोहरियों को बुलाकर गज मोती उपलब्ध कराने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है मंत्री जी, बुलवाइए। दरबान जी आइए और नगर के श्रेष्ठ जनों एवं जोहरियों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। महाराज की जय हो। सम्यक। महाराज की जय हो। दरबान जोहरियों को उपस्थित करवाया जाए। जो आज्ञा मंत्री वर। सब देखो बस इतना ही। राजद्वार पर पधार चुके हैं, सभी को आदर सहित सम्मान से बाहर अंदर लाइए। जो आज्ञा महाराज, खाली जाना हो और तुरंत ही उन्हें लेकर आना। खड़े हो गए फिक्री अंदर आए। हे महाराज, जय जिनेंद्र देव की। इस बार आपके सुशासन में हम शांति पूर्वक रहते हैं, अथा प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक आपके शीश पर यह राजमुकुट शोभित रहेगा। हम सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, आज्ञा दीजिए महाराज। इसलिए यह किया गया है। सभी जोहरी गण, मेरा काम वो गज मोती तुरंत सब दाम लो मुझसे। प्रिय श्रेष्ठियों, जोहरियों सुनो, मुझे कुछ गज मोतियों की जरूरत है, तुरंत दीजिए, यथाचित मूल्य प्राप्त कीजिए। हे महाराज, जोहरी हीरा मन का प्रणाम। प्रभु मोती तो मैं ला दूं, जरूरत हो अगर स्वामी जवाहर हीरा मंगवा दूं। हे महाराज, मेरा व्यापार हीरे और जवाहरात का क्रय विक्रय करने का है, अतः मुझे मोतियों की परख नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। महाराज जी, जिसके दिल ऐसे थे, दिवाला मेरा भार है, नाक का जोरी इसी से साथ हाजिर है। दिवालिया हो गया हूँ, मेरा सारा धन पेपर समाप्त हो गया है। महाराज, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, इसलिए क्षमा करें। महाराज की जय हो। नाक मोती मेरे पर ना, मगर हिमदत्त हाजिर है, मिला बुद्ध सैन टीके में सभी को साप जाए है। बिचार रक्षक सुनो राजन, नहीं उत्पन्न हो मोती, कहां से लाए कर देवे नहीं एक भी गज मोती। हे महाराज, बेटा बुद्ध सैन की शादी में जो गज मोतियों सहित हार मिला था, परंतु बाद में मैंने अपनी बेटी के हार में उन मोतियों को लगवा दिया था, और जो कुछ शेष मोती थे उन्हें बहू ने मंदिर जी में चढ़ा दिए हैं, इसलिए यह दास मोती देने में असमर्थ है। अच्छा, किसी के पास भी गज मोती नहीं है, देखते हैं कहां। आइए, और नहीं कुछ काम, नहीं चिंता इस बात की। जोहरियों
स्वामी जी।
हरा पुट तो कोई भी कर देगा, हरा पुट की बताने वाली बात नहीं, हरा पुट तो कोई भी बता देगा। आइए आइए जमाई राजा। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान जमाई राजा, आइए आइए पधारिए। कुंवर साहब, बल्लभपुर में सब कैसे हैं? पिताजी वहाँ सब ठीक है, यहाँ सब कैसे हैं? यहाँ बेटा सभी प्रसन्नता पूर्वक है। भगवान कुंवर साहब के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। बीने का कुंवर साहब, आप बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, आराम कीजिए, हम भी आराम करते हैं, मुझे भी बहुत थकान महसूस हो रही है। ठीक है पिताजी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, न जाने यहाँ ये सब लोग क्या सोचते होंगे। प्रणाम स्वामी। प्रणाम किए, मैं तुम्हीं से मिलने यहाँ आया था। मैं तो हम समझ ही गए थे स्वामी, परंतु ये तो बताइए प्राणनाथ, हमारे बिना दो तीन दिन भी अकेले नहीं रह पाए जो चले आए थे, ऐसी क्या बात हो गई? नहीं प्रिय, आओ मेरे पास बैठो और मेरी बात मुझसे सुनना। मैं धनोपार्जन के लिए विदेश जा रहा हूँ, चिंता ना करो इसलिए बताकर जाना चाहता था। विदेश? हमारे घर में धन की कोई कमी तो है नहीं स्वामी, अतः फिर कभी चले जाना? नहीं नहीं प्रिय, मुझे अभी जाना होगा। स्वामी आप जरूर परेशान हैं, क्या बात है स्वामी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? प्राणेश्वरी सुंदरी, बात कुछ ऐसी है, मेरे सभी देश भ्रातागण धन कमाते हैं, परंतु मैं कुछ भी नहीं कमाता, इसलिए मैं धन कमाने विदेश जा रहा हूँ। तुम चिंता ना करना, यही मायके में ही रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। नहीं नहीं नाथ नहीं, मैं आपके बिना दो दिन भी अकेले नहीं रह सकती हूँ, अतः आप मुझे साथ ले चलिए। नहीं नहीं प्रिय, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। ये स्वामी जी, जिस प्रकार रामचंद्र जी के साथ 14 वर्ष के वनवास, थक गई हूँ नाथ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। अरे सावधान पूर्वक चलो प्रिय, प्रभु नाम जपते जपते चलते चलो। प्रिय क्या बात है स्वामी? हे प्रिय, भूखों के मारे दम निकलता जा रहा है, हाथ में पैसा नहीं, दिल मेरा मुरझा रहा है। प्राणनाथ, विपत्ति तीख डर जाए तो उस दिल और कायर है, विपत्ति हंस के जो जीते वही सच्चा बहादुर है। प्राणनाथ इतनी अधीर ना होइएगा, भगवान का नाम लेते हुए परिश्रम करने वाले हमेशा सफल होते हैं। हे नाम हे भगवान, मेरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई स्वामी। क्या हुआ? मेरी चोटी में यह रत्नों की माला रह गई है, वो यह है स्वामी, आप इस माला को ले जाकर किसी साहूकार के यहाँ गहने रख दीजिए और दो दिन में खाने का सामान ले आइए। लाओ प्रिय। अरे ये तो बहुत अच्छा रहा, जो अनायास ही रत्न मिल गए। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, गांठी के दाम मौके पर आते काम। चलो मैं नगर में जाकर। कम तो क्यों हो रहा है? देखो जरा विचारो, मन में समझ विचारो, आसन हिला मारा, आसन हिला। भूलोक के रतनपुर नगर के बगीचे में सती मनोवती बहुत दुखी है, उसने 7 दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। हे स्वामी, आप इतना सब कुछ तो जान लिया और मुझे भी बता दिया, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए? अरे देवी, मुझे कुछ करने का मौका दो, अभी तुम्हें कुछ कहूँ। क्या करूँ स्वामी, मुझसे उसकी दुखी दशा देखी नहीं जाती। तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उसके दुख दूर हो जाए।
हे स्वामी आप ऐसा करिए कि इसी बगीचे में एक जिन मंदिर का निर्माण कर दीजिए और गजमोती भी उपलब्ध करा दीजिए ताकि सती मनोवती जिन दर्शन कर गजमोती चढ़ाकर अपने व्रत का पालन करते हुए भोजन कर सके। ठीक है देवी, मैं ऐसा ही करता हूँ। ठीक है स्वामी। उपवन में बैठी है, वहां पर इंद्र ने सुंदर जनालय का निर्माण किया हुआ है। देखिए कैसे दर्शन करते हैं, व्रत को पूर्ण करते हैं। दर्शन लो जल्दी पूरा कराऊंगा स्वामी। किसी
किसी भी कार्य को करने से पहले भोजन की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग कहते हैं पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। चलिए स्वामी भोजन कर लीजिए, चलो चलते हैं। देखिए उस दिनों से व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। हे पिताजी, शांति कुमार का प्रणाम। हे पिताजी, आज बहुत गजब हो गया। आज हमारी कपड़े की दुकान में अचानक से आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। अब हम क्या करेंगे? और मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गहने वापस कर दीजिए। हाँ बेटा भ्रांति कुमार, इनके रुपया, हाँ बेटा भ्रांति कुमार, इनका हिसाब कर दीजिए और इनके रुपया जमा कर लीजिए और इनके गहने इन्हें वापस लौटा दीजिए। भाई साहब बैठ लीजिए। ये चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं थे, उसमें तो सांप बिच्छू कॉकरोच जैसे अनंत जीव पड़े हुए थे। उसमें मैंने तो सांप की फुसकार सुनकर मेरा पसीना पसीना हो गया। हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। हे पुत्र, हमारी व्यापार कारोबार के सारे व्यापार से आय के सारे स्रोत समाप्त हो गए हैं। गरीबों की सुनो, पैसा भी एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे। मजदूरी में लग जाता है और वहाँ के सेठ जी इतने उदार मन वाले हैं कि मजदूरी दुगनी भर पेट भोजन, धर्मशाला में विश्राम। अतः आम के आम और देखिए कर्म है, कर्म करे सो कोई न करे, कर्म करे सो कोई न करे, क्यों होता है ओ भैया करने देख बलवान, ओ भैया करने देख बलवान, इसी से रंग महल शीर्ष मुकुट ताज मिले, इसी से काज मार माया का सब राज मिले। कर्म के लेख की कोई चाल नहीं तार सका, कर्म की लेख कोई लेख नहीं तार सका। शंकर महंतो कवि वेदों ने, संत महंत कवि वेदों ने इसका किया बसा। ओ भैया मेरे कर्म देख बलवान, ओ भैया मेरे कर्म देख बलवान। से कजमों की मोती का व्यापार करने वाले धन प्रिय, कहाँ हो तुम? भैया घर से बेघर किया था, उनकी दशा देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। ये स्वामी आप ये कैसी चर्चा कर रहे हैं, साफ साफ बताइएगा। अरे प्रिय, जिन्होंने मुझे घर से बेघर किया था, तुम जैसे धर्मधारी शीलवान बहू को घर में कदम न रखने दिया था, आज वो सब मजदूरी कर रहे हैं। माता पिता भाई बहन मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं स्वामी, ये ठीक बात नहीं है। नहीं नहीं प्रिय, तुम वह दिन भूल गई जिस दिन तुम्हारे पति को बेघर किया गया था, तुम जैसी धर्मधारी शीलवान बहू को घर में कदम न रखने दिया था। उनकी वह दिन दशा को याद करके तो यही लगता है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मत कहिए स्वामी, बेटा माता पिता का ऋण कभी उन्हें नहीं हो सकता है, अर्थात बेटा माता पिता के एहसान कभी भी नहीं चुका सकता है। अच्छा चलिए स्वामी, हम उन्हें महल ले आते हैं। तुम्हारा कहना ठीक है प्रिय, माता पिता एवं सभी देश भ्राता गणों को सादर पूर्वक महल में लाते हैं। तुमने ठीक कहा है,
इसलिए तुम गृहलक्ष्मी कहती हो। चलो चलते हैं। चलिए स्वामी, शीघ्र से शीघ्र चलते हैं। प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटा। अब बेटा बेटा बुद्ध से जीती रहो बेटे। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। बुद्ध से मुझे माफ करो, माफ करो। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप तो मेरी माता हो, आप तो बस आशीष प्रदान कीजिए। प्रणाम माता जी, चरण स्पर्श करती हूँ आशीर्वाद। खुश रहो बेटी। बेटी मनोवती, तुम भी मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। बेटी तुमने बहुत कष्ट सहन किए हुए हैं। नहीं माता जी, आप अपना मन छोटा मत लीजिए। ये सब जो हमने भोगा है, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसमें आप सभी का किसी का दोष नहीं है। माता जी, पिताजी, भैया जी, भौजी जी, सभी अपने आंसू पूछिए और घर चलिए। हम सभी इस नवीन मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे और हम सभी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। समस्त नगरों तथा परिवार की सहभागिता से पंच कल्याणक महोत्सव सम्पन्न करेंगे, जिसमें मेरे माता पिता भगवान के माता पिता बनेंगे तथा मेरी ज्येष्ठ भ्राता सौधर्मेंद्र तथा सची इंद्राणी बनकर पंच कल्याणक महोत्सव सम्पन्न करेंगे, जिसमें मेरी और सभी ज्येष्ठ भ्राता प्रमुख पात्र बनकर बनाएंगे, अतिथि सत्कार करेंगे और भक्ति भाव पूर्वक प्रभु भक्ति में लीन होंगे। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बहुत बहुत सुंदर बुद्ध सेन जी, आपकी उदार भावना, उदार सागर जन कल्याण तीर्थ पर आचार्य उदार सागर जी के आशीर्वाद से जय की जय। प्रमोद जी, सरोज ननद जो बनी है वो पुष्पा दीदी भैया, माता जी, राकेश जी, ये लोगों को मनना चाहते हैं। माली का जो रोल किया है वो श्रीमती रेखा जी, मालिक का श्रीमती नीतू जी, आप लोग आते रहे। 12 बजे ना बेटो, कोई बात नहीं। माली का जो रोल किया है वो रेखा जी और मालिन का नीतू जी। इसके बाद तैयार है रानी, छोटी जो बनी है वो श्वेता जी। छोटी रानी श्वेता जी आए और बड़ी रानी चंद्रकली दीदी जी आए। इसके बाद रानी बड़ी रानी जी आए और इसके बाद है राजा श्रीमती सुनीता दीदी। बाली का रोल अलग किया है अरे नहीं गुणमाला बहन जी आए।
सेवा तुम्हारी रानी जी बनी थी, दरबारी रानी जी ने एक रोल किया है। इसके बाद जोहरी जो है बने हैं वो तैयार हैं, श्रीमती सरोज जी, श्रीमती रेखा जी, श्रीमती संध्या जी, संध्या बैद। सभी लोग तालियां जरूर बजाएं। हाँ ये जी यही जी सरोज रेखा संध्या ये जोड़ी है। उसके बाद है कविता रानी है, इसके बाद इंद्र है, सीमा पटवारी। ताली बजाओ भाई। ओ भैया सामने से दौड़ना। नाचे जो मन को मोरे बड़ा गाँव में बजे बढ़िया। नाचे जो मन को बहु परे बत